हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द इमेज ऑफ द पॉइंट फोर कुमा माइनस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन वाई इक्वल टू एक्स इज देखिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास कोई वाई इक्वल टू एक्स लाइन है तो इस पॉइंट का जो भी पॉइंट हमारे पास है एक्स वन वाई वन टाइप का तो इस पॉइंट का वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जब भी आप इमेज लेंगे ना तो ये डिस्टेंस तो बराबर होगी और जो इमेज आएगी क्यू पॉइंट वो हमेशा इस इस वाले पी का रिवर्स आएगा रिवर्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस तरह से वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जब भी मैं किसी पॉइंट का इमेज लेता हूँ तो वो पॉइंट में क्या होता है एक्स बन जाता है वाई वाई बन जाता है एक्स इस तरह से तो यहाँ पर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर समझाया वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे इस पॉइंट का फोर कॉमा माइनस थ्री का क्या चाहिए इमेज चाहिए तो इमेज कहाँ आएगी नीचे की तरफ आएगी और कैसे आएगी रिवर्स होकर माइनस थ्री बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई फोर बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ठीक है तो इस पॉइंट का हमारे पास जो इमेज आ गया वो कितना आ गया माइनस थ्री कोमा फोर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड दिस बेस्ट ऑफ लक